हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक होगा बिलियन यानी सॉल्यूशन और बिलियन के गुण यानी कैरेक्टर ऑफ सॉल्यूशन। तो आइए हम अध्ययन करते हैं बिलियन यानी सॉल्यूशन और सॉल्यूशन यानी बिलियन के गुण। तो हम देखेंगे कि बिलियन क्या होता है। तो सिंपली हम पहले एक यहाँ पर देखते हैं फिगर। यहाँ पर हम पानी लेकर रखे हैं, ठीक है। ये पानी से भरा हुआ एक बॉक्स है और इसमें हम चीनी के कण मिला देते हैं ऐसे, यानी इसमें चीनी के कण पानी और प्लस चीनी को मिला देते हैं। तो ये जो मिश्रण बना इसको हम कहते हैं बिलियन, यानी ये समांगी मिश्रण जो होते हैं उन्हीं को हम बिलियन कहते हैं, यानी दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम बिलियन कहते हैं। तो जब समांगी मिश्रण होगा तो उसी को हम बिलियन कहते हैं। इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। तो हम परिभाषा को एक बार पुनः फिर से देख लेते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम विलयन कहते हैं। जैसे पानी और चीनी का मिश्रण जो समांगी होता है, तो इस समांगी मिश्रण को हम विलयन कहेंगे। इसी पानी में नमक मिला देंगे तो ये भी एक समांगी मिश्रण होगा और इसको तब हम कहेंगे विलयन। यानी जैसे एग्जाम्पल पर हम लिख लेते हैं, जैसे नमक और पानी का मिश्रण, ठीक है, चीनी और पानी का मिश्रण, ठीक है, आयोडीन और टिंचर का मिश्रण, कोक या सोडा इत्यादि, ये जो होते हैं वो सब के सब समांगी मिश्रण होते हैं, इसलिए इनको हम विलयन भी कहते हैं। जैसे नमक और पानी को मिश्रण लेंगे तो नमक पानी में पूरी तरह से समान रूप से फैल जाता है, इसलिए ये जो पानी और नमक का जो मिश्रण मिलेगा उस मिश्रण को हम विलयन कहेंगे। उसी तरह चीनी और पानी का मिश्रण भी सेम वैसे ही चारों तरफ फैल जाता है चीनी के कण पानी के अंदर, और जो समांगी मिश्रण पानी और चीनी का मिलेगा उसको भी हम कहेंगे। आयोडीन और टिंचर आयोडीन का जो मिश्रण होता है उस मिश्रण में भी आयोडीन और टिंचर एक दूसरे में समांगी मिश्रण बनाते हैं तो उसे भी हम विलयन कहेंगे। और कोक या सोडा यानी कोका कोला जो थम्सअप पीते हैं तो उस लिक्विड के अंदर आप कार्बन डाइऑक्साइड का समांगी मिश्रण होता है। तो इस तरह से ये सारे जो हैं बिलियन के उदाहरण हैं। तो याद रखेंगे दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम बिलियन कहते हैं। अब आइए अब हम बिलियन के गुण को पढ़ते हैं। यहाँ पढ़ते हैं बिलियन के गुण। बिलियन के गुण, तो बिलियन का पहला गुण क्या होगा, जो बिलियन होते हैं समांगी होते हैं। यानी बिलियन समांगी मिश्रण होते हैं। दूसरी विशेषता क्या होगी, बिलियन के कण बहुत छोटे होते हैं। बहुत छोटे यानी लगभग 10⁻⁹ मीटर के बराबर होते हैं, ठीक है। और तीसरी देख लेते हैं, तीसरी विशेषता क्या हो सकती है कि बिलियन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता है। कहने का मतलब यह है कि अगर हम यहां पर से कोई टॉर्च इसको जलाएं तो इसमें प्रकाश की जो ये दिखा जाएगी ये मार्ग दिखाई नहीं देगा बल्कि ऐसे ही चली जाएगी। तो क्या होता है, बिलियन में प्रकाश का जो मार्ग होता है वो दिखाई नहीं देता है। चौथा देखेंगे, बिलियन जो होते हैं वो अस्थाई होते हैं। बिलियन जो होते हैं वो अस्थाई होते हैं। अब अस्थाई का मतलब ये है कि पानी और चीनी के बिलियन को हम रख देंगे तो
तो कितना ही देर रखेंगे लेकिन चीनी के कण पानी के नीचे नहीं बैठते हैं, यानी ये जो मिश्रण होता है वह अस्थायी होता है और चीनी और पानी लगातार अपनी स्थिति में बने रहते हैं, वो अलग अलग पृथक नहीं होते हैं। और अस्थायी विलयन वो विलयन होते हैं जिन विलयन को रखने पर उसके जो बड़े कण होते हैं वो धीरे धीरे नीचे बैठ जाते हैं, तो उनको हम अस्थायी विलयन कहते हैं। जबकि हम जब विलयन की बात करेंगे तो विलयन जो होते हैं वो अस्थायी होते हैं, यानी विलयन एक अस्थायी मिश्रण होता है। इस तरह से आज हमने पढ़ा विलयन और विलयन के गुण। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।